चलो कोई बात नहीं। तो देखो हम लोग के पास है ना काइनेमेटिक्स का आपके सामने लेक्चर है आज, है ना। मेनली हम लोग है ना डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर समय मिलेगा तो फिर आगे थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। जो भी डाउट्स होगा उसमें एक एक करके है ना आपको थोड़ा सा सब चीजों को देखना होगा। देखिए हम लोग लास्ट डे जो डिस्कस किए थे उस लास्ट डे का कॉन्सेप्ट आपके सामने एक बार फिर से रख दे, कि हम लोग लास्ट डे का डिस्कशन ये करके रखे थे कि अगर आपके पास कोई बॉडी है ना मोशन अंडर ग्रेविटी करे तो उससे अगेंस्ट में आपको सारा डाटा किस तरह से एग्जामिन करना है, सोचना है। ठीक है, ये सारा चीज है व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारा डिस्कशन आपको लास्ट में कराया गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ये सब सब कुछ डिस्कशन आपके सामने एक एक करके करा गया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आ गया है सामने, कुछ क्वेश्चन में सबसे पहले स्टूडेंट का जो डाउट है उसको लेके कंटिन्यू करते हैं, पहले उनका डाउट बता दे उसके बाद फिर है ना इसमें और आगे कंटिन्यू करेंगे, ये सभी क्वेश्चन एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, सो थोड़ा केयरफुल रहना, हर चीजों को है ना अच्छे से देखना और समझना। देखो स्टूडेंट का डाउट क्या है, क्वेश्चन ये कहता है क्वेश्चन ये कहता है सपोज जैसे आपके पास ये ग्राउंड है, आपके पास एक टावर है, एक टावर है आपके पास 85 मीटर हाई टावर, या आपके पास 85 मीटर हाई टावर, मान लीजिए ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इसका हाइट है क्वेश्चन में 85 मीटर दिया हुआ है। आप इस टावर के टॉप से किसी पर्टिकुलर बॉल को थ्रो किया, स्टोन थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, आप इस पर्टिकुलर टावर के टॉप से आप किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंके, जब आप स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए हैं तो इसके मोशन के बारे में सोचिए, पहले ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वो नीचे की तरफ गिरेगा, बोलो होगा ऐसा। यस मान लो जैसे ये सी पॉइंट तक पहुंचा, उसके बाद फिर ये नीचे है ना इस पॉइंट डी पे आया, तो सी इज द मैक्सिमम हाइट, सी इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्वेश्चन में आगे लिखा है कि रिचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, अगर इस पॉइंट पे टी इक्वल्स टू जीरो पे आप उस पर्टिकुलर स्टोन को प्रोजेक्ट किए हैं तो ग्राउंड तक रीच करने में उसको 5 सेकेंड का समय लगा है। ठीक है, 5 सेकेंड का समय लगा है। अभी हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, आप किस पॉइंट को ओरिजिन लेके न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, ए पॉइंट को, बी पॉइंट को, किसको आप ओरिजिन लेके क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। मेरे हिसाब से अच्छा है जिस पॉइंट से आप फेंक रहे हैं ना उसी पॉइंट को आप ओरिजिन लेवल ले ले, बोलो सही है। यस सर। तो आदिश्री आपका डाउट था, थोड़ा सोच के बताइएगा, जब ये बॉल ए से सी गया और सी के बाद वापस डी आ गया तो जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वो किन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच ए और डी के बीच में, वेरी गुड, ए और डी, ए और डी बोलो या ए और बी, तो वो मेजरमेंट तो ऊपर से नीचे हो रहा है ना, सर, तो -85। वेरी गुड, तो आप यहाँ पे अगर चाहते हैं तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को यूज करें, लेकिन S क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, A क्या है एक्सेलरेशन है, तो सब वेक्टर है तो वेक्टर की तरह ले। अगर आप बात कर रहे हैं A to D, A से D तक का बात कर रहे हैं तो S के जगह पे -85 होगा, U टाइम के जगह पे 5 सेकेंड आएगा, प्लस आप एक्सलेशन है निगेटिव, एक्सलेशन तो ऑब्वियसली है फ्री फॉलिंग बॉडी है नीचे की तरफ है, जी के बराबर है -10 और फिर से होगा 5 का स्क्वायर, क्या मेरी बात समझ में आई सबको, सर, जब नीचे आ रहा है तो प्लस होगा ना सर, प्लस तो प्लस होगा ना क्या प्लस होगा सर, जी का सर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेरी एकदम सही, इसी तरह से बोलते रहिए और सब कोई टूट पड़े एक ही बात पे, इसका मतलब देयर इज सम मिसकॉन्सेप्ट। आप जब वेक्टर्स लेते हैं तो आप देख लीजिए कि आपके पास कौन कौन वेक्टर है, यहाँ पे बताओ कौन कौन वेक्टर है बोलो कौन कौन वेक्टर है, एस वेक्टर है, यू वेक्टर है और ए वेक्टर है ना। यस सर। ठीक,
अब आप बोलिए ऊपर वाले वेक्टर को प्लस लेना है या माइनस? प्लस प्लस, तो नीचे वाले वेक्टर को माइनस लेगा। यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। आप बात कहां से कहां कर रहे हैं? ए से डी कर रहे हैं ना, ए से डी कर रहे हैं ना, सी से डी तो नहीं कर रहे हैं ना? नो सर। ठीक, आप ए से डी बात कर रहे हैं, तो ए पे आपका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था तो आप u प्लस लिखें, ए के बाद जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे है तो आप इसमें माइनस 85 लिखें। अब बताइए एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन ऊपर है कि नीचे? नीचे। नीचे है तो माइनस 10 लिखें, क्या हड़बड़? आप बोल रहे सर नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है तो प्लस लेंगे। अरे यार नीचे मूव कर रहा है प्लस लेंगे तो तभी ना लेंगे जब बाकी सब वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हो। यहाँ तो एक वेक्टर ऊपर है, दो को नीचे है, तो या तो दोनों ऊपर वाले को प्लस लिया तो नीचे वाला एस निगेटिव जी निगेटिव, या अगर कोई बोलता कि सर हम एस पॉजिटिव लेंगे जी पॉजिटिव लेंगे तो यू को निगेटिव लो, दोनों में से एक काम तो करना होगा ना। Yes, अरे नहीं समझा, अभी तुम्हारे फिगर के हिसाब से देखो, जो तुम्हारा कंडीशन दिया है यू का डायरेक्शन है ऊपर, एस का डायरेक्शन है नीचे और जी का भी डायरेक्शन या ए का डायरेक्शन है नीचे। आपको एक चीज तो कहना होगा ना कि इन दोनों का जो साइन होगा इसका अपोजिट होगा। अगर yes, कोई, अगर कोई यू को प्लस लिया तो उसको एस माइनस और ए माइनस लेना होगा, और अगर कोई यू को माइनस लिया तब वो इन दोनों को प्लस ले सकता है। क्या मेरी बात समझे? सबको एक साइन कैसे दे सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट। यस सर। क्या जी आदिश्री समझ में आई मेरी बात? यस सर। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आप देखिए अगर यू ऊपर है प्लस ले लिए तो एस भी माइनस होगा ए भी माइनस होगा, अगर आप इन दोनों नीचे वाले को प्लस कह देते तो यू माइनस होता। अब देखिए हम आपको और बताते हैं, आपका माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट एकदम ठीक कर लेते हैं फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखिए मान लीजिए किसी केस में, सपोज किसी केस में सब ऊपर है, आपका यू भी ऊपर है, आपका एस भी ऊपर है, आपका ए भी ऊपर है, तो भाई तुम सबको प्लस लेके भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो और सबको माइनस लेके भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो प्लस तो सबको प्लस लो, लो माइनस तो सबको माइनस लो। सर अगर किसी न्यूमेरिकल में सब नीचे है तो? देखो भाई अगर सब नीचे है तो फिर से कहानी वही है, आप सबको प्लस भी लेके न्यूमेरिकल बना सकते हैं और सभी को माइनस लेके भी न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। ठीक है सर, ये बात ऐसा हो गया सर कि मेरा एस का डायरेक्शन ए का डायरेक्शन और यू का डायरेक्शन अपोजिट है सर, तो भाई आप सोच लीजिए आप किसको प्लस किसको माइनस लेना चाहते हैं, बस अपोजिट डायरेक्शन का रिवर्स साइन होगा ये ध्यान रखना। अगर तुम एस को प्लस कह दिया तो ए प्लस होगा तो यू माइनस होगा, और अगर तुम यू को प्लस कह दिया तो ए भी माइनस होगा एस भी माइनस होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। देखो ए से डी इसको सॉल्व करेंगे यू मिल जाएगा, माइनस 85 इज इक्वल टू 5 यू, यहां सॉल्व करो माइनस 125 आ रहा है। यस सर। ये माइनस 125 इधर आ गया तो प्लस 125 माइनस 85 बाई 5 इज इक्वल टू यू, ये 40 बाई 5 आया तो यू का वैल्यू हो गया 40 बाई 5 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है? Yes, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, मैं एक चीज और आपको थोड़ा और आपको बात कर ले। अच्छा अगर केवल ए से सी तक का बात होता, ये क्वेश्चन नहीं है हम अभी अपने से आपको बोल रहे हैं, अगर आप ए से सी का बात करेंगे तो देखिए यू आप प्लस लेंगे तो आपको पता है इस बार एस भी आप प्लस लीजिएगा और एक्सेलरेशन इस बार आप माइनस लीजिएगा, बोलिए हाँ या ना। ए से सी में यू का डायरेक्शन ऊपर है, एस का भी डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन तो नीचे है, बोलो सही है? यस सर। तो देखो ए से सी तक सोचोगे, ए से सी तक सोचोगे, सी मतलब ऊपर वाला पॉइंट हाँ, तो यू का डायरेक्शन एस का डायरेक्शन सेम है, ऊपर है तो प्लस लिए तो ए माइनस,
अब आपसे पूछा गया था मैक्सिमम हाइट कितना रीच करे, यही था ना क्वेश्चन आदिश्री? फाइंड, ए में बोला गया था ग्रेटेस्ट हाइट और बी में बोला गया था वेलोसिटी विथ विच रीचेस द ग्राउंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड सो ऑन। चलो ठीक, वेलोसिटी हम लोग यू निकाल लिए शुरुआती। अब देखो ग्रेटेस्ट हाइट के लिए हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं, क्या ग्रेटेस्ट हाइट के लिए सीधा हम लोग लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट हाइट के लिए हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ग्रेटेस्ट हाइट पे वी का वैल्यू कितना? जीरो। एच का स्क्वायर टू एक्सलेरेशन के जगह पे माइनस टेन इंटू एस, तो जो आपको यहां से 20s is equals to 64 या s is equals to 64 by 20, 20 से कट कर दो भाई 3.2 आ गया मीटर, बोलो सही है? ये आपका ग्रेटेस्ट हाइट है, यहां से यहां तक ये 3.2 मीटर का होगा। पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है, बोला कि किस वेलोसिटी से वो धरती से टकराएगा, ग्राउंड से वो किस वेलोसिटी से टकराएगा? पूछा है कि ग्राउंड से वो किस वेलोसिटी से टकराएगा, हम बोलेंगे सीधा लगा u equals to a plus at। बोलेगा v is equals to u के जगह पे ऊपर की तरफ 8, एक्सलेशन के जगह पे नीचे की तरफ g और टाइम पे 5, तो क्या मेरे v का वैल्यू हुआ 8 माइनस 50, कहने का मतलब माइनस 42 मीटर पर सेकेंड। बोलो तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? अरे बोलो माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन नीचे। हाँ डायरेक्शन नीचे है यार, तुम ही देखो ना, टकरा रहा है तो इसका डायरेक्शन नीचे ही ना होगा वेलोसिटी का, तो माइनस 42 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आ रही है सब कुछ? यस सर। आदि श्री क्लियर है सब कुछ? आपका डाउट था, फोकस रहिए, ध्यान रखिए, कई दिक्कत? नो सर। बाकी सब कोई? चलिए, यही क्वेश्चन था, आपको सब कुछ है ना बता दिया गया, तो अच्छे से देखो पूरे क्वेश्चन को, अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या था कि देखिए जी 85 मीटर हाई एक टावर है, वहां से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, तो बॉल पहले ऊपर जाएगा फिर जी के इफेक्ट में नीचे जाके गिरेगा ग्राउंड पे। बोला 5 सेकेंड के बाद ग्राउंड को हिट करता है, तो जरा बताइए कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी निकला, फिर वापस से बताइए कि वो कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और किस वेलोसिटी से जाके वो ग्राउंड से हिट करेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग ए और डी में लिया, हम आप ही से पूछे थे ए और डी में ओरिजिन कहाँ लीजिएगा, तो हम लोग वो देखें कि जहां से फेंक रहे हैं उसको ओरिजिन ले। तो जब आप ए से डी तक का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट में माइनस 85, ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे आदिश्री आप भी क्या गलती किए, साइन से आपको प्रॉब्लम हो गया, इसलिए जब आप वेक्टर को ट्रीट करें तो अगर सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सबको एक साइन देके बना दीजिए, बन जाएगा। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में वेक्टर्स का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, अपोजिट हुआ, तो आपको किसी एक डायरेक्शन को प्लस तो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, थोड़ा सा डायरेक्शन में ही वो दिक्कत होने लगा। चलो ठीक है, अभी समझ गया ना? यस सर। ठीक, फिर सर हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि वेक्टर है या नहीं है ना? अच्छा वेक्टर ही होगा ना, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो तो वेक्टर ही है। Yes, sir. तो आपको उसी हिसाब से सोचना होगा। अभी देखिए जैसे हम इसको और आपको थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं, एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम जोड़ते हैं ताकि आप है ना इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकें। अभी मान लीजिए हम खुद से आपको एक न्यूमेरिकल दे दें कि देखो जी ठीक है आपके पास फिर से एक टावर, ठीक है, एक मिनट मेरा टावर गड़बड़ हो गया। मान लो ये टावर, ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, इधर ये ग्राउंड है। अब देखो आप यहां पे खड़े हो गए,
और आप हाथ में एक बॉल लिए। इस टावर का हाइट सपोज कर लीजिए आपके पास है ना 60 मीटर, और आप इस बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिए विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम तुमसे बोलेंगे कि देखो जी, फेंकते समय टाइम था 0, तो बताओ ये ग्राउंड पे पहुंचा जब तो उसका कितना समय है, और जब ये ग्राउंड को हिट किया तो किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से हिट किया, ये बताओ। अब इस न्यूमेरिकल में देख, इस न्यूमेरिकल को देखो, इस न्यूमेरिकल में जो तुम्हारा यू है वेक्टर वो नीचे है, एक्सेलरेशन भी आपका नीचे है, और यहां जब आप नीचे फेंकिएगा तो क्या वो ऊपर जाएगा कि नीचे ही जाएगा? नीचे नीचे जाएगा। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे है, बोलो हाँ या ना। यस। तो तीन जो वेक्टर आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो सब नीचे ही है। तो अब आप बताइए, सबको माइनस लेके बनाने से आंसर आएगा या प्लस लेके बनाने से आंसर आएगा? सर आएगा दोनों से सर, बट दोनों प्लस से नहीं। आएगा, दोनों से आएगा। आसान है, प्लस ले लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बोलिए, दोनों से यस आएगा ना। यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन आप प्लस लीजिए, सॉल्व कीजिए आंसर। अब आप बोलिएगा सर इसमें हम प्लस लिए थे तो हम इस न्यूमेरिकल में हम जी को क्यों माइनस ले रहे हैं? अरे भाई, क्योंकि यहाँ आपका यू ऊपर है, यू को आप प्लस बोल दिए थे, इसलिए आप जी को माइनस बोल रहे हैं। बोलो, समझे? यस सर, हर क्वेश्चन के तरीके को समझना है ना, आपको रटना नहीं है कुछ। बिकॉज यहाँ तीनों वैक्टर नीचे है तो तीनों एक साइन का होगा, प्लस है तो सब प्लस है, माइनस है तो सब माइनस है। बिकॉज यहाँ वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो एक प्लस है तो बाकी दो माइनस है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, तो बाकी सब तो सिंपल कैलकुलेशन होता, आप कर लेंगे, कोई इशू है नहीं। ठीक है, चलिए देखें सर, क्या इक्वेशन कब कौन सा लेना होता है उसमें हम फंस जाते हैं सर, कब क्या। कब कौन सा इक्वेशन यूज करना होता है? अच्छा देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में जरा सुनना रोहित, थोड़ा समय दिया जाए इस पर। इस क्वेश्चन का डाटा था कि 85 मीटर का हाइट दे दिया था टावर का, और आपको बोल दिया था कि 5 सेकंड के बाद जाके जमीन को हिट करेगा, तो आपको एक तरह से एस दिया गया था, ए तो पता है, जी है तो ए पता है, और टाइम दे दिया है, और आपसे यू पूछा। देखो, एस दे दिया, ए मालूम है, टाइम दे दिया और यू पूछा, तो कौन से इक्वेशन की मदद से तुम यू निकाल लो? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ कंफ्यूजन है? जिसमें दो डाटा नहीं रहता उसमें। अच्छा, जैसे कोई क्वेश्चन भेज दो, सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि क्वेश्चन भेजोगे तो हम देख के रिएक्ट करेंगे। जैसे आदिश्री का डाउट था, वो अपना डाउट भेजी तो उस पर रिएक्शन हो रहा है ना, देख रहे हो ना? यस। ठीक है, अपना डाउट भेज दो, उस पर बात करते हैं। चलिए, अच्छा है। आप लोग अब क्वेश्चन एक सॉल्व कीजिएगा जो आपके सामने दिया जाए। चलिए बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। लिखा है बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 19.6। अब रुक जाइए जरा, यहाँ रुक जाइए। ये 19.6 मीटर पर सेकंड दिया है, तो पता है आपको जी कितना लेने से आपको फायदा होगा? 9.8। 10 नहीं लीजिए, 9.8 लीजिए। डाटा को समझिए, 19.6 मीटर पर सेकंड दे दिया, इसका मतलब 9.8 लेके बनाइए तब अच्छा बनेगा। अगर यहाँ 20 यस सर, रहता टू तो जी टाइम्स 10 लेके बनाते तब अच्छा होता, समझे? यस सर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकंड। फिर देखो, जमीन पे आया है 6 सेकंड में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बनाओ इसको अपने से, आंसर बताओ हमको, चलो जल्दी लग जाओ फटाफट। हाँ जी, देखो इस केस में मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर है स्मॉल एच। आप यहां से बॉल को ऊपर की तरफ फेंके हैं यू से, ऑब्वियसली जब वो लैंड किया है यहाँ पे, इस टाइम को अगर आप 0 कह दें, इस टाइम को आप टी कह दें, यही आपको निकालना है। तो बॉल ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है नीचे की तरफ। बिकॉज आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और टाइम मालूम है, हम लोग सीधा यूज करें एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेक्टर फॉर्म। एस, यू का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 19.6, ठीक है, टाइम कितना है भाई 6 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सलेशन की जगह पे 9.8, और फिर से टाइम 6 का स्क्वायर। आप सॉल्व किए, कितना आ रहा? 58.8 बोले। यस सर।
58.8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बस इतना ही सिंपल, ठीक है, इससे बड़ा है ही नहीं। चलो उसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करा जाए। और 19 वाला मैम आपका ज्यादा मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी का जो पिछला सेट ऑफ न्यूमेरिकल था वो लगभग यही क्वेश्चन था, बस डाटा चेंज है। क्या बोलते हो, सही बोले? यस सर। अब इस बार देखो, इस बार है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो जी कितना लोगे? 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, स्क्वायर लेंगे, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, समझ रहे हो? सर इसका ऊपर वाला क्वेश्चन सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। क्या रिपीट कर दे जी आलोक बाबू, बोलिए सर। इसमें एस सर एस टावर का हाइट कैसे हुआ सर? 6 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो टावर का हाइट ही है ना? यस सर। ओ यस सर, समझ। चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 19 19, तब तक हम इसका डायग्राम आपके लिए बना रहे होते हैं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है 25 मीटर हाइट का एक टावर है और वहां से एक बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंके हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली ये पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर ग्राउंड की तरफ जाएगा। बोला है कि ग्राउंड को रीच करने में टाइम नहीं बोला है। बोला हाउ हाई विल द बॉल राइज, हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। और पूछा है कि जमीन से ये कितना हाइट और ऊपर की तरफ जाएगा, ये आप निकालो, ये निकालो स्मॉल एच। तो देखो, मान लो मोशन ए से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, फिर ये सी और ये पॉइंट डी है। अब जरा गौर कीजिए, अगर आपसे पूछा गया हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो क्या आपको याद है एट मैक्सिमम हाइट क्या जीरो होता है? बी का वैल्यू जीरो होता है। अब देखो बी यू ए एस में रिलेशन तो एक ही है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, बी के जगह पे जीरो, यू के जगह पे 20 का स्क्वायर प्लस टू एक्सलेशन के जगह पे जी और एस के जगह पे एच आपको निकालना है। बोलिए एक्सलेशन में कितना लिखे, जरा जब बोलिए फटाफट एक्सलेशन में कितना लिखे। 10 मीटर पर सेकेंड। गलत हो जाएगा, अभी बोलो। -10। ओ यस सर। आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे हैं और सिली मिस्टेक कहलाता है, जो बहुत खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक चीज। आप माइनस छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप अभी ना सीखे, यू ऊपर है ए नीचे, तो अगर यू को आप प्लस वाला फॉर्म में लिख रहे हैं तो ए कैसे आप प्लस लिख सकते? सुनाई दिया? यस सर। 20h इज इक्वल टू 400, तो 20 कट गया, h का वैल्यू आ गया 20 मीटर, मतलब ये अभी और 20 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब a से लेके ये 20 मीटर और ऊपर जाएगा b तक। आगे पूछा हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब इसको कितना समय लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, बोलो कौन सा इक्वेशन एंड हाउ यू कैन सॉल्व दैट। अच्छा ठीक है, चलिए ले लिए। यू कितना लेंगे? जीरो। अच्छा, यू जीरो भी ले लिए, ठीक है सर। 20
अच्छा दोनों को अपना अपना डाटा बोलना, आदिश्री बोलो अपना डाटा बोलो। S-25 से U-20। S-25 U-20 लेंगे, P प्लस हाफ एक्सलेशन में -10 और टी का स्क्वायर, सही है। हाँ यस सर। अब चलो तुम्हारा हो गया, अब रुकना। आलोक रंजन क्या डाटा लोगे? सर S=45। हाँ S=45 लेंगे, आगे बोलो। सर U=0। यू जीरो लेंगे, आगे बोलो। और एक्सेलरेशन विल बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन विल बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फिर टी स्क्वायर लगाएंगे, यही ना? यस। अधूरा है ये रेड वाला, अधूरा है ये रेड वाला, गलत है। कैन यू एक्सप्लेन दिस हाउ इट इज रॉन्ग? डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से लेंगे ना? बिल्कुल सही, जहां से फेंके हैं डिस्प्लेसमेंट वहां से ना लेंगे। 45 मीटर कहां से है? तुम ऊपर से सोच रहा, आलोक रंजन आप ऊपर से सोच रहे, एकदम टॉप पॉइंट से सोच रहे होंगे आप। यस। यहां से सोच रहे आप, सही है। यहां yes, से आप सोच रहे हैं, बी से लेके डी तक सोच रहे हैं, इसलिए आपका यू जीरो है, आप यही नहीं सोच के बोल रहे हैं? यस सर। हाँ तो आप टाइम में ठीक नहीं कीजिएगा, आप यहाँ का जीरो टाइम बोले हैं तो यहाँ पहुंचेगा तो उसमें कुछ समय लग जाएगा ना, यस सर। तो टाइम टी ही लीजिएगा नो सर। पहले आपको फिर इतना टाइम निकालना पड़ेगा, इतना टाइम माइनस करना पड़ेगा, वो टाइम आप लीजिएगा। बात समझे मेरी बात? यस सर। इसलिए ये डाटा ऐसा नहीं है कि इससे तुरंत बन जाएगा। और इवन आपका डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन, आप जब S ले रहे हैं ऊपर से नीचे, आप जब S ले रहे हैं ऊपर से नीचे बोलते हैं प्लस लिखिए, तो जब G नीचे है तो उसको माइनस क्यों लिखिए? बोलो जी। यस सर, गलत है सर। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मिसकॉन्सेप्ट्स एक्चुअली। अगर आप S 45 मीटर नीचे वाले को प्लस लिखवाएं तो फिर G आप क्यों माइनस लिखवाएं? टाइम भी गलत सोचना था, टाइम भी आपको सोचना चाहिए। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको जरूर यहाँ टाइम का एक आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? सॉल्व करके बताओ आंसर, सॉल्व करके बताओ आंसर। सब सर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड आ रहा है। चलो जी ठीक है, बढ़िया। और भी सबको बनाइए बनाइए बनाइए, सबको बनाइए, कहीं डाउट हो बात कीजिए। काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। अगर आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को धीरे धीरे हैंडल करने लगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्या हुआ रोहित कुमार? यस सर। समझ में आ रही है? यस यस सर, 5 सेकंड। ठीक है, और सब कोई थोड़ा सा अपना देखो तो लिस्टिंग कौन कौन एब्सेंट है अभी, अपना पार्टिसिपेंट्स में देखो तो कौन कौन और एब्सेंट है अभी। आप लोग नहीं पहचानते किसी को? चलिए ठीक है, कोई बात, आगे बढ़िए। सबका हुआ, किसी का कोई डाउट? नो सर। कंफर्म ना सबको ही? देखो बहुत कोई बोल नहीं रहा है। स्तुति समझ में आया? स्तुति यस सर। ठीक है, सुरभिदीप यस सर। कंफर्म है ना सब कुछ? ठीक है ना, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन बनाओ अपने से, टेक योर टाइम। नहीं बनेगा हम बताएंगे, हम उसी के लिए खड़े हैं, लेकिन पहले आप सोचिए। आप लोग अपने पेन को फेंक के हाथ में कैच लीजिए, जो हो रहा है वही चीज यहां हो रहा है, थोड़ा लार्ज स्केल पे हो रहा है।
आप अपने पेन को फेंकिए, फिर से कैच लीजिए, और जो हो रहा है वही यहाँ हो रहा है, थोड़ा लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो सोचो जरा। गो फास्ट गो फास्ट। आप लोग पेन वाला एक्सपेरिमेंट करके देखें। यस सर। वही चीज यहां हो रहा है। कितना आ गया आंसर? फर्स्ट पार्ट का 19.6 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाउ फार विल वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। चलिए देखिए 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 देखिए, ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन सेट है आपके पास। आप जब किसी पर्टिकुलर बॉल को थ्रो करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका हाइट नेग्लेजिबल है। हाँ, आपका हाइट नेग्लेजिबल, आपका हाइट नेग्लेजिबल है, तो आप अपने हाइट को कंसीडर ना करें प्लीज। आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किए, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो ये बॉल ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर रिटर्न आएगा, आपके हाथ में आएगा। आप मान के चलिए आपका हाइट नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो आप जिस वेलोसिटी से इस बॉल को फेंके हैं, यू क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके हाथ में अभी 0 सेकंड पे था, तो फिर आपके हाथ में 4 सेकंड पे आएगा। अच्छा, क्या ये आप ये देख के फिगर बता सकते हैं कि ऊपर पहुंचने में उसको 2 सेकंड लगेगा? 2 सेकंड। यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होगा। अब अगर आपसे पूछा गया u निकालो भाई, तो सीधा सीधा v is equals to u plus at लगाएं। v के जगह पे 0, u निकालना है, और a के जगह पे -9.8 और टाइम के जगह पे 2 सेकंड्स, तो क्या मेरे u का वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकंड आया? yes, sir. तो हाँ ठीक है, 10 ले लो, वेरी गुड, कोई बात नहीं है। तो आपका 20 आ गया होगा, 20 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक, अब पूछा है, अच्छा आपको पता चल गया है कि 2 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। आगे पूछा 3 सेकंड पे कहाँ? तो 3 सेकंड पे समवेयर एट दिस पॉइंट ना। यस सर। आपसे पूछा है हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट बिफोर 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। तो अगर आप यहां से मान लो, जैसे ये फेंकने वाला पॉइंट ए है, इस पॉइंट को बी कह दिए, ये सी और ये डी है, अगर आप बी से सी तक सोचेंगे तो डाटा अलग तरीके से आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप ए से सी तक सोचेंगे तो डाटा अलग तरीके से लेना पड़ेगा। आंसर सेम है, आंसर सेम है। चलिए हम आपको बी से सी भी लेके के बना देते हैं और ए से सी भी लेके बना देते हैं। फ्रॉम बी टू सी, अगर कोई बी टू सी लेके बनाना चाहा, तो क्या उसके यू का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम 1 सेकेंड लेंगे? सर। देखो भाई देखो, यहां से यहां 3 सेकेंड, यहां से यहां 2 सेकेंड, तो यहां से आगे फिर 1 सेकेंड होगा। यस सर। ठीक है, तो ऐसे केस में आप अभी से सोचे तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएं,
और ये वाला टर्म जीरो हो गया, हाफ एक्सलेरेशन के जगह पे 10 ले लीजिए या 9.8 लेना ले लीजिए, और टाइम में एक का स्क्वायर तो ये 5 मीटर आएगा। यस तो बी से सी 5 मीटर, बी से सी 5 मीटर। बोले नहीं सर, बी से सी नहीं, हमको ए से सी लेके बनाना है, ए से सी लेके बनाना है, फ्रॉम ए टू सी। हम बोलेंगे एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, एस इज इक्वल्स टू। अब देखिए, अगर आप ए से सी तक बात कर रहे हैं तो ए पे वेलोसिटी ऊपर था, ए पे वेलोसिटी ऊपर था, चलो हम लोग 19.6 के जगह पे 20 ले लेंगे। हाँ तो ऊपर था तो 20, टाइम है 3, प्लस आप बोलो एक्सेलरेशन में क्या लिखे, सोच के बोलो। माइनस 10। वेरी गुड, माइनस 10। तो आपके पास एस का वैल्यू आया 60 माइनस 45, तो आपके एस का वैल्यू आया 15 मीटर। बोलेगा सर देखिए तो आंसर तो अलग अलग आ गया, आप यहाँ 5 मीटर निकाले, यहाँ 15 मीटर निकाले, बोलो आंसर डिफरेंट है या सेम है? आंसर सेम ना, आंसर सेम। बस जब आप ए से सी तक बात कर रहे हैं तो अभी आप ए सी निकाले हैं 15 मीटर, कितना 15 मीटर आप ये निकाले हैं 15 मीटर, जबकि इसका टोटल हाइट है 20 मीटर, इसलिए ऊपर से। और पूछा क्या, हाउ फार इट वॉज बिलो द हाइएस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट से नीचे पूछा है, हाइएस्ट पॉइंट से नीचे पूछा है कितना, तो ये आंसर है 5 मीटर। कारण क्या है कि जो नीचे से लेके हाइएस्ट पॉइंट तक है वो 20 मीटर है, और यहां से लेके सी तक का जो वैल्यू आपका आ रहा है वो 15 मीटर है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. आंसर कैसे बदल जाएगा यार, आंसर तो बदल ही नहीं सकता, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। आंसर बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे है, तो 5 मीटर। सो इस बार हम लोग इस मेथड को ज्यादा प्रिफर करेंगे, क्योंकि इसमें एक तो कैलकुलेशन कम है और चीजें एक बार में आंसर आ जा रही है, और इस बार इस दर से जाओगे तो थोड़ा सोच सोच के आंसर बनाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो जी, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, अगर डाउट नहीं है तो बोलिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। अगर डाउट है तो यू कैन से दैट कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, या फिर कुछ डाउट है बोल दीजिए, बता दीजिए, बोलिए कुछ, कोई भी। नो डाउट सर, नो डाउट। आप लोग बाकी सबको ही अगस्त्या समझ में आ रहा है, ईशान समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर फाइनल वेलोसिटी के बाद फिर वन कैसे ले लिए हम लोग? फाइनल वेलोसिटी के बाद वन कहाँ? सर जो सी पे 1 सेकंड टाइम हम लोग ले रहे हैं, ये बी से सी ले रहे हैं, सी पे नहीं बोलना, बी से सी बोलना, बी टू सी। ए से लेके सी तक पहुंचने में 3 सेकंड लगा, और ए से जाके बी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगा, तो आगे 1 ही सेकंड है ना। आदिश्री? यस सर। बोल रहे ए से लेके बी तक 2 सेकंड है और ए से लेके सी तक 3 सेकंड है, तो अगला 1 ही सेकंड बचेगा ना। हाँ यस सर, यस सर, सही है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, असेंडिंग थोड़ा कम कीजिए ना। हाँ बड़ा करे 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 लिखा है, बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन अ फूड पैकेट इज ड्रॉप। अच्छा जरा बताओ, अगर कहीं ये वर्ड है ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो। वेरी गुड, तुम एकदम जाल में फंसने लायक सही मछली है। 9.8। क्यों 9.8?
सर क्योंकि वो फूड पैकेट बलून के साथ भी एक्सेलरेट हो रहा था। एक्सेलरेट वर्ड थोड़ा गलत है, एसेंड लिखा हुआ है मतलब ऊपर जाना, यहाँ एक्सेलरेशन वाली बात नहीं है अभी। तो मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 9.8। वेरी गुड रोहित बाबू, जरा सुनिएगा और आप लोग सब कोई सुनिएगा काइनेमेटिक्स का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। काइनेमेटिक्स में जब आप इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं तो आप जनरली है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तो अगर आप ड्रॉप वर्ड लगाते हैं तो आप जिस फ्रेम पे हैं, जिस फ्रेम पे हैं, जैसे बैलून में हैं, जैसे आप गाड़ी में हैं, जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, जैसे आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, जैसे आप एरोप्लेन में चल रहे हैं, जैसे आप है ना जाइंट व्हील में घूम रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर नीचे कर रहे हैं और आप किसी बॉल को ड्रॉप किए, तो जिस फ्रेम में आप बात कर रहे हैं उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी जीरो नहीं होता। एक्चुअल वेलोसिटी तो वही वेलोसिटी होता है जो फ्रेम का है। क्या मेरी बात समझ में आई? सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपका बैलून ऊपर जा रहा है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, बैलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और बैलून के रिस्पेक्ट में आप किसी बॉल को ड्रॉप किए, तो बैलून के रिस्पेक्ट में उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्चुअल तौर पे अगर बात करो तो उसके पास वही इनिशियल वेलोसिटी है जो बैलून का है। क्या मेरी बात समझ में आई? रिपीट कीजिए। हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं, ये तो हमको समझाना है, जरा गौर से देखिए। पहले हम लोग इसके ऊपर कुछ काम कर लेते फिर उसके बाद उधर जाएंगे। Body is dropped from any moving frame, then pehla with respect to that frame initial velocity of body equals to zero. With respect to that frame, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं उस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी या बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बट with respect to ground, body have same velocity as velocity of frame. Frame का जो velocity होगा body का उतना ही velocity है। जैसे 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 समझने का कोशिश करो, समझो ठीक है। ये सब चीज अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत सारा फिगर आपके सामने बनाने। या आपके पास एक बैलून है, उस बैलून में कोई आदमी खड़ा है और वो है ना एक बॉल को नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप कर रहा है। ये बैलून ऊपर जा रहा है, ये बैलून ऊपर जा रहा है मान लो वी नॉट से, ठीक है। ये बैलून अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कार है, ये कार है, बस है, इसके अंदर एक आदमी खड़ा है और वो एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है। ये कार राइट की तरफ जा रहा है वी नॉट से, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा फिगर बना सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो बॉल है, ये है आपका बॉल ड्रॉप्ड, ये है बॉल, बॉल ड्रॉप्ड। तो सुनना समझना, विथ रिस्पेक्ट टू बैलून, अगर आप बैलून के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वेलोसिटी इनिशियल ऑफ बॉल ये होगा जीरो, विथ रिस्पेक्ट टू कार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज जीरो, ठीक है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप ही सोचिए ना, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़े होके देख रहे हैं
तो जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल है वो उतना ही है जितना कि बैलून का। अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू कार बात करेंगे, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग ग्राउंड बात करेंगे, तो हमारा बॉल का इनिशियल वेलोसिटी उतना ही होगा जितना कि हमारे कार का वेलोसिटी है, यही बता रहे थे रोहित। समझ में आया? यस सर। तो बहुत बार क्या करता है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए ड्रॉप वर्ड मेंशन करता है, लेकिन आप देख लीजिए कि ड्रॉप जो वर्ड मेंशन है वो किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। तो बैलून के रिस्पेक्ट में बॉल को ड्रॉप किया, तो भाई उतना वेलोसिटी उसके पास है जितना कि बैलून का था, जितना कि बैलून का था। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो, आवाज नहीं आया? कंफर्म यस सर। है? चलिए सोच के बताइएगा, यस सब कोई सर। सोच के बताइएगा, सब कोई। एक बार इसके हाथ से जब बॉल छूट जाएगा, एक बार इसके हाथ से जब बॉल छूट जाएगा, तो बॉल किधर जाएगा? नीचे जाएगा या पहले ऊपर जाएगा, बाद में नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। जाएगा सर। यही सीखा, नीचे सब जाएगा। पहले ऊपर पहले जाएगा। ऊपर जाएगा क्योंकि इसके पास वही वेलोसिटी है जो बैलून का है, तो ऊपर ना है यार। यस पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ये छूटेगा तो क्या होगा, यहां से नीचे गिरेगा ना, ये ऐसे आगे बढ़ेगा उसके बाद गिरेगा। बात समझा? सर। यस सर। यस सर। आइए ऊपर देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा बैलून जो है वो जमीन से उड़ के सपोज अभी यहां तक पहुंच चुका। हम लोग थोड़ा इजी डायग्राम बना रहे हैं। कितना ऊपर चला गया है? 39.2 मीटर। और यहीं पे बैलून तो चलो ठीक है उड़ रहा था, इसके अंदर जो पर्सन था वो खड़ा था, और वो खड़ा होके हाथ बाहर निकाल के बॉल को छोड़ दिया। बैलून का ऊपर की तरफ का वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। बोलने के लिए तो ये है कि बैलून के रिस्पेक्ट में वो बॉल ड्रॉप किया है, लेकिन जैसे ही बॉल छूटेगा बॉल के पास वही वेलोसिटी होगा, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी वही होगा जो हमारे बैलून का है। ये बॉल है भाई, ये बॉल है आपका। छूटने के बाद उसके पास वही वेलोसिटी है जो बैलून का है। क्या मेरी बात सबके दिमाग तक पहुंची? यस यस सर। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, होगा ऐसा कुछ कि ये पहले जाएगा ऊपर उसके बाद आएगा नीचे, और आप इतना क्वेश्चन अभी तक इस पे बना चुके हैं कि आगे बताने का जरूरत नहीं है। क्या बोलो, हाइट है 39.2, इनिशियल यस सर। वेलोसिटी 9.8, एक्सलेशन का वैल्यू जी 9.8 लेके सॉल्व कर लेना। और उसके बाद आगे पूछा गया है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीचेस द ग्राउंड। चलो जी सॉल्व करके बताओ, आंसर बताओ। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है सॉल्व करने के लिए, आफ्टर हाउ मच टाइम विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीचेस द ग्राउंड। तो टाइम निकालने के लिए आप सीधा सीधा एस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, तो आप देखेंगे एस के जगह पे नीचे की तरफ है। अभी बहुत बार काम हो चुकी है कि ए से जाएंगे बी तक और बी के बाद आएंगे सी और फिर आएंगे डी। तो अगर हम लोग ए से डी तक का बात कर रहे हैं तो एस के जगह पे -39.2, U के जगह पे, U के जगह पे 9.8, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने आ गया T प्लस आप एक्सलेशन के जगह पे आप 9.8 ले लीजिए और T स्क्वायर, और यहाँ पे लीजिएगा एक माइनस साइन। कारण क्या है कि एक्सलेशन भी S की तरह नीचे की तरफ है, एक्सलेशन भी S की तरह नीचे है। सॉल्व कीजिएगा तो जैसे स्टूडेंट ने बताया कि टाइम आ रहा है 4 सेकेंड। अब आपको 4 सेकेंड पे भी निकालना है भाई, तो सीधा सीधा भी इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाओ। यू के जगह पे 9.8 आ गया और एक्सलेशन के जगह पे -9.8 आ गया और टाइम हो जाएगा 4।
जब आप इसको सॉल्व किए देन बी कम्स टू बी -29.44 ना, यस सर 29.4 कारण है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डाउनवर्ड, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डाउनवर्ड, ठीक है, ये बी का डायरेक्शन। चलिए बढ़िया, तो ये सब बहुत अच्छा बेहतरीन डिस्कशन है, और आपके सामने एक कॉन्सेप्ट जो रखा गया उसको कभी भूलिएगा नहीं कि अगर आपके पास किसी बॉडी को आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, किसी मूविंग फ्रेम से ड्रॉप कर रहे हैं, किसी मूविंग फ्रेम से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसके पास वही वेलोसिटी है जो एक्चुअली फ्रेम का वेलोसिटी, ठीक है, वो वेलोसिटी जो उसका फ्रेम के पास है, वो वेलोसिटी उसके पास है। चलो ठीक, अभी देखो इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स के बारे में ना थोड़ा सीखते हैं। ये क्वेश्चन स्किप किए हैं, ये आप खुद बनाएंगे। अब आपके पास जितना भी डिस्कशन का पोर्शन है वो हमारे पास इस पोर्शन के आगे निकल जाते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग के सामने है वो है ग्राफिकल एनालिसिस, मोशन स्ट्रेट लाइन पे। ये पहला पार्ट तुम्हारे सामने था, सारा का सारा डिस्कशन इसमें कवर अप हो गया है। अगला जो पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ग्राफिकल एनालिसिस होगा, ठीक है, ग्राफ के बारे में डिस्कशन करना है, ग्राफिकल एनालिसिस हम लोगों को डिस्कस करना है, ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। याद रखिएगा काइनेमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ग्राफ के ऊपर डिस्कशन में चलता है। ग्राफ को लेके आपको है ना चलना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का भी ग्राफ आ सकता है, ऐसा ग्राफिकल एनालिसिस। मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? Yes, ठीक है। तो इस ग्राफिकल एनालिसिस के लिए वैसे तो बहुत अच्छा डिस्कशन है तुम्हारे पास ग्राफ में, देख लो ये सब एक एक करके हम लोग सब ग्राफ है ना रीड करना सीखेंगे कि किसी ग्राफ से तुमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये बहुत अच्छा ग्राफिकल एनालिसिस सेक्शन है, बहुत अच्छा, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या फिजिक्स के लिए आपको ग्राफ एकदम अच्छा करके रखना पड़ता है, और काइनेमेटिक्स में ये सब ग्राफ देख लो ना, ये सब इक्वेशन से तो परिचित होंगे ना आप लोग, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब ग्राफ आपके सामने आने वाला है। लेकिन इन सब को रीड करने के पहले हम आपको ग्राफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम बता देना चाहते हैं ताकि आपको इनके डिस्कशन में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सो बी केयरफुल थोड़ा सा। चलो पहले आपको ग्राफिकल एनालिसिस तैयार करने के लिए आपको है ना कुछ बेसिक्स है वो दे देते हैं। सुनिए, इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स जब आप ग्राफ का डिस्कशन करते हैं ग्राफ होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बहुत बार एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। तो इसमें वर्टिकल एक्सिस पे एक्स होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे आपका पोजीशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम। दूसरा जो आपके सामने ग्राफ बहुत ज्यादा मिलता है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको आप वीटी ग्राफ कहते हैं। तो इसमें आपको वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी रहेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, ठीक है। थर्ड जो आपके सामने मिलना है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए ये सब ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल यही मिलेगा, ये सब सबसे ज्यादा होगा डिस्कशन का पोर्शन। तो इसमें वर्टिकल एक्सिस पे आपको एक्सेलरेशन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम दिखेगा। तो बेसिकली जो तुम तीन नाम देखा, जैसे तुम देख लिया पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसके अलावा दो स्केलर क्वांटिटी का भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक है आपके पास डिस्टेंस टाइम और दूसरा है आपके पास स्पीड टाइम। आप समझ ही गए होंगे वर्टिकल एक्सिस पे कौन होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन। वर्टिकल एक्सिस पे जो रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे अगर लिखा है पोजिशन टाइम ग्राफ तो पोजिशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो एक्सेलरेशन टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्राफ का इनिशियल है कि अगर आपको कोई नाम देगा तो ऐसे चलिए। अभी देखिए जैसे हम आपसे पूछते हैं
एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ, बोलो तो वर्टिकल एक्सिस पे कौन है? एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और हॉरिजेंटल एक्सिस पे पोजीशन है। ओके, तो ऐसी चीजें है ना आपको रीड करने आनी चाहिए, सबसे पहला चीज ये। अब ग्राफ को जब आप देखिए ना तो लाइन मत देखिए, आप ये मत देखिए वो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, उस लाइन में दो तीन चीज देखिए। पहला जो आपको एकदम ध्यान रखना, इसके बगैर तो पढ़ाई नहीं होगा, वो है स्लोप। स्लोप, स्लोप का मतलब याद करो, आप पढ़े थे डीवाई बाई डी एक्स, याद आया? Yes, अगर आपके पास अगर आपके पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है तो इसमें कोई भी लाइन, कोई भी लाइन जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाता है उसी के टैन थीटा वैल्यू को हम लोग स्लोप कहते हैं, जो आता है डीवाई बाई डी एक्स से। उसी के हॉरिजेंटल के साथ जो बना हुआ एंगल है उसके टैन थीटा वैल्यू को हम लोग स्लोप कहते हैं, जो आता है डीवाई बाई डी एक्स से। याद आया आपको? Yes, ठीक है। अब सुनिए, फॉर एक्सटी ग्राफ, अगर आपके पास कोई एक्सटी ग्राफ है मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, याद रखना इसका जब आप स्लोप सोचेंगे तो क्या हम लोग डीएक्स बाई डी टी लिखेंगे? जैसे डीवाई बाई डी एक्स वैसे एक्सटी ग्राफ है तो हम लोग डीएक्स बाई डी टी लिखेंगे। Yes, sir. और dx by dt बताओ तो पूरे kinematics में अभी देखा किसको represent कर रहा था, क्या ये velocity है? Velocity. ठीक है, तो indirectly क्या बोल रहे हैं हम? indirectly तुमको ये बोल रहे हैं कि जो हमारा slope होता है xt graph का वो आपको velocity के बारे में inform करेगा। वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्म करेगा मतलब क्या? अगर किसी एक्सटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर किसी एक्सटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव, अगर किसी एक्सटी ग्राफ का स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, और अगर किसी एक्सटी ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। जैसे एक्सटी ग्राफ का स्लोप वैरी करेगा याद रखना वेलोसिटी भी उसी तरह का वेरिएशन शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ छोटा सा खेल, यहाँ दिखाते हैं, जस्ट एक मिनट लाइन। देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए जैसे ये आपके पास एक छोटा सा एक्सटी ग्राफ, ये एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, देखना देखना कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चला। हम आपको हर पोर्शन पे कुछ कुछ डिस्कशन दिखाते हैं। देखिए ए से लेके बी तक ये कर्व है, बी से लेके सी तक ये स्ट्रेट लाइन है, सी से लेके डी तक कर्व है और डी से ई भी कर्व है। अभी हम हर पोर्शन के बारे में आपसे स्लोप पूछेंगे, साइन पूछेंगे और वेरिएशन पूछेंगे, याद रखिए देख देख के आपको आंसर देना और कुछ करना नहीं। देखिए अगर हम ए से लेके बी तक का बात करते हैं तो साइन ऑफ स्लोप वेरिएशन इन स्लोप, और फिर वेलोसिटी बाद में। ए से बी तक देखो क्या मेरा स्लोप पॉजिटिव है? Yes, sir. और देख रहे हो एंगल बढ़ते जा रहा, मतलब बोल सकते हैं इंक्रीजिंग भी है। Yes, sir. सब कोई देखिए, अगर आप यहां पे फंसे तो आप पीछे देख चुके हैं ना, 100 ग्राफ दिखाए हैं, 100 ग्राफ में फंसिएगा, और अगर यहां सीख गए तो 5 को बता देंगे 100 कवर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है? Yes, और देख रहे हो एंगल ऐसे बढ़ते जा रहा है तो एंगल बढ़ने के कारण स्लोप इंक्रीजिंग भी है। Yes, चलो बी से सी का सोच के बताओ, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना? Yes, पॉजिटिव तो है लेकिन स्लोप कांस्टेंट भी है।
अब देखो सी से डी स्लोप है तो पॉजिटिव लेकिन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग 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 है। अच्छा एग्जैक्टली डी पे सोचते हैं, क्या डी पे मेरा स्लोप जीरो है? यस सर। क्योंकि यहाँ पे जो आप टेंजेंट बनाइएगा। अच्छा डी से ई सोचो, डी से ई सोचो, क्या मेरा स्लोप निगेटिव है? यस यस। और क्या वो इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। अब हमको सोच के बताओ आप में से किसी को इन पांचों सेक्शन में कहीं डाउट? सर लास्ट वाला डिक्रीजिंग होना चाहिए। हाँ देखिए ये वाला में सर आप सुनिए कहाँ पे? डी से ई में। आप लोग केवल एंगल का वेरिएशन देख के हमको बताइए, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उससे बड़ा एंगल नहीं यहाँ बन रहा है? यस सर। आप माइनस साइन क्यों पकड़ के बैठे हैं? माइनस साइन तो आप अलग से लिख चुके हैं कि नेगेटिव होगा, लेकिन एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है तो टैन का वैल्यू बढ़ेगा ना? यस सर। यस सर। आप लोग क्या सोचते हैं, अभी भी आप बच्चा वाला कॉन्सेप्ट में है कि माइनस फाइव जो है वो छोटा होता है माइनस फोर से, बचपन में पढ़ा था ना? यस सर। वो बचपन गया, बचपन अब ठीक है। चल यहां तक। अब देखो स्लोप एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो जैसा स्लोप का वेरिएशन है वेलोसिटी भी उसी तरह से वैरी करेगा। मतलब ए से बी तक का वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। बी से सी तक का वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। सी से डी तक का वेलोसिटी पॉजिटिव है डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। बी पे वेलोसिटी जीरो है क्योंकि स्लोप जीरो है। B से E तक का वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। मेरी बात समझ में आई क्या तुमको? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपको ये ग्राफ दिखाई देगा लेकिन ग्राफ के अंदर छिपा हुआ स्लोप आपको खुद से देखना होगा, और जो आप स्लोप का वेरिएशन आप देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप वेलोसिटी उसी हिसाब से लिखेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, ठीक। अब देखो इससे एक कदम आगे निकलो और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। हमेशा ध्यान रखना कि बीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप का मतलब हो गया डीवी बाई डीटी, तो डीवी बाई डीटी इज नथिंग एल्स बट सिंपली एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप वैरी करेगा, जैसे वैरी करेगा एक्सेलरेशन भी वैसे ही वैरी करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। और आगे सुनिए, और आगे सुनिए। जब भी आप कहीं स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन देखते हैं, स्ट्रेट लाइन हैव कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर आप कर्व लिखते हैं, कर्व हैव वेरिएबल स्लोप, कर्व का स्लोप वैरी करता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन कहीं है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। तो स्लोप पे जब भी आप कोई भी ग्राफ देखेंगे ना, हर जगह आपको स्लोप देख देख के काम करने आना चाहिए, स्लोप कैसे करता है। अभी देखो ना, हम तुमको लेफ्ट में ले चलते हैं, आप देखिए सबसे सिंपल, ठीक है? बहुत सारा डिस्कशन है वैसे। आप देखिए इसको कोई देखेगा और वो कैसे स्पीड के बारे में बताएगा या वेलोसिटी के बारे में बताएगा? तो यहां स्लोप देखेगा, बोलो इसका स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है। पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। आप यहाँ बोलिएगा कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अब इसको देखेगा कोई और बोलेगा स्लोप बताओ, सॉरी वेलोसिटी का वेरिएशन बताओ, तो बताओ स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव।
पॉजिटिव पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो यहां देखो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ऑरिजिन मूव्स अवे फ्रॉम ऑरिजिन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन अभी बात नहीं कर रहे हम, आपको वेलोसिटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक्स टी से वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. अब यहाँ देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी ओरिजिन आफ्टर सम टाइम कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन नेगेटिव इन डायरेक्शन मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन विद कांस्टेंट नेगेटिव इन डायरेक्शन और नेगेटिव की तरफ जा रहा है ओरिजिन की तरफ जा रहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है कांस्टेंट। तो आपको ऐसे करके हर जगह पे देखना होगा जहां एक्स टी ग्राफ देखिएगा आपको स्लोप दिखेगा। अब देखिए ये बीटी है, ये बीटी है, बीटी से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आखिर कैसे लिख दिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन? तो बीटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट। बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इस केस में देखिए यहाँ बताइए एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है। कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। देखो यहाँ लिखा है छिपा हुआ लाइन, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो पता कैसे चलेगा? ग्राफ के स्लोप को देखना, वीटी के स्लोप को देखना। अब यहाँ देखो, यहाँ बताओ, ये बताओ, देख के बताओ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल है। पॉजिटिव है और नेगेटिव? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो देखिए आप क्या क्या बोले, आप बोले हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, आप बोले ना पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखिए जितना लिखा हम लोग उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे अगर हम लोग को रीड करने आ गया ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा और एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। नो सर। चलो ठीक, जस्ट एक मिनट। फिर से स्टार्ट है। तो देखिए हम लोगों के पास काइनेमेटिक्स में अभी तक हम लोग है ना स्लोप के बारे में डिस्कस किया। अब दूसरा चीज जिस पे आपका बहुत खास ध्यान होना चाहिए और वो है एरिया। एरिया, ठीक है, स्लोप का बात हो गया, अब आओ एरिया पे आ जाओ। एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन है एक्चुअली। एरिया अंडर कर्व मतलब इंटीग्रेशन होता है। अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके सामने बना है। ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो जरा गौर करना, यहाँ पे जब आप वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो याद रखिए वो एरिया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डाटा दे सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। सर क्या बोल रहे हैं सर? जरा गौर करो, ये वाला जो पोर्शन है, ये एरिया में से ये जो पोर्शन है वो निगेटिव, ठीक है। अभी मान लीजिए अगर आप इस केस में चाहते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करना। जो आपके पास कर्व बना है ना, ये पूरा ग्राफ जो बना है उसके अंदर का टोटल एरिया जो आप निकाल लेंगे, ये वाला एरिया बोल रहे हैं भाई। ये जो आपको येलो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, इस एरिया में अगर आप इस एरिया को ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है।
दोनों एरिया को अगर आप ऐड कर दीजिएगा आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। कहने का मतलब एरिया ए बी सी, सॉरी ओ ए बी सी प्लस सी डी ई, अगर दोनों एरिया को आप ऐड कर देंगे आपको मिलेगा डिस्टेंस। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं तो आप नेट एरिया फाइंड आउट कीजिए। नेट एरिया कहने का मतलब जो मेरे पास पॉजिटिव वाला पोर्शन का एरिया है ओ ए बी सी, उसमें से नेगेटिव वाले पोर्शन के एरिया को माइनस करो। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो पोर्शन का एरिया उसमें से नेगेटिव को माइनस करो तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर दोनों एरिया को आप ऐड कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। देखिए हमको मालूम है दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको ठीक करने के लिए हम आपके सामने एकदम छोटा सा, बहुत छोटा सा निवेदन दे रहे हैं, जरा गौर करना। मान लो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो 12 है, और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो मान लीजिए 4 है। बताइए डिस्टेंस कितना है, 16। और बताइए बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है। एट। किसी का कोई और आंसर आया क्या, कि सबका यही सेम आंसर है? सबका सेम आंसर या किसी का डिफरेंट? सेम आंसर। सेम आंसर। चलिए तब कोई मिस कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सही। तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और इसमें इसको प्लस कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। कोई क्या करता है, इसमें से इसको माइनस करता है और फिर से एक और माइनस फोर भी लिखता है, तो माइनस माइनस करके फिर से वो 16 ही हो जाता है। तो थोड़ा लॉजिक पे काम करना, आपका आंसर सही था, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये रहा आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं तो याद रखिए वो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा बताओ जरा किस पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का आंसर सेम है? सी तक। अगर आप इस टाइम तक बात करेंगे तो डिस्टेंस का जितना आंसर है डिस्प्लेसमेंट का भी सेम आंसर है, तो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि किस टाइम तक का आपका बात चल रहा है। चलिए अब आइए थोड़ा इससे एक लेवल और आगे, ए के बाद बी। अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले लें, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोले? बोले चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज के लिए हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करना। जब आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हमेशा ध्यान रखना चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन उसका आंसर देना होगा आप लोगों को, सो बी केयरफुल। मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखते हैं। देखिए भाई ये मेरे पास एक्सेलरेशन है जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, और ये मेरे पास टाइम है जो सेकंड में है। ठीक है, एक ग्राफ है कुछ इस तरीके का, ये यहां पे 10 पे कट करता है, ये भी यहां 10 पे कटता है, ये 0 है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इफ एनी बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड इज अंडर गिवन एटी ग्राफ, मतलब ये एटी ग्राफ उसी का है, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी बताओ। चलो सॉल्व करो फटाफट, 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी बताओ, चलो सॉल्व करो फटाफट।
बोलो बोलो। बोलो जी। सर 1.5 आ रहा है। 1.5 गलत आ रहा है एक्चुअली। ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं? बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए जी सब कुछ, थोड़ा सा इसको छोटा कर ताकि आपको समझा सके। देखिए सॉल्यूशन के लिए जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर 80 ग्राफ, तो वो चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर 80 ग्राफ का मतलब हो गया हाफ बेस इनटू हाइट और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। ठीक है, तो क्या ये 50 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड? फाइनल वेलोसिटी निकालना, इनिशियल 6 है, तो क्या बोल सकते हो फाइनल इज इक्वल्स टू 56 मीटर पर सेकंड आएगा? यस सर। अच्छा कैसे आप 5.6 समथिंग बोल रहे थे आदिश्री? बोलो। सर मैं एरिया नहीं निकाल के वो बस वी माइनस यू करती। तो बिना एरिया के किससे आप इक्वेट कीजिएगा? देख रहे हैं ना, एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। जो ए और टी के अंदर के ग्राफ का एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया, वो एरिया ही चेंज इन वेलोसिटी है। बोलो सही है। यस सर। चलो फिर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे, कहीं कोई डाउट ना रहे। चलो जी देखो, अच्छे से ध्यान से देखना, समझना जरा, कहीं मिसकॉन्सेप्ट ना हो। फिर एक्सलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और टाइम आपका सेकंड में है और ये ग्राफ ऐसा है। ये 0 है, ये 10 है, यहाँ पे 4 है, ये 6 है और ये 8 है। चलो सॉल्व करो। इनिशियल वेलोसिटी आपको हम लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको फाइनल वेलोसिटी बताना है 8 सेकेंड के ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, आपको फाइनल वेलोसिटी बताना है 8 सेकेंड्स के ऊपर। चलो बनाओ फटाफट। सिक्सटी सिक्स। कितना? 66 66 आ गया। सिक्सटी सिक्स आ गया। अच्छा 76 करना क्या है? दोनों एरिया को जोड़ के डेल वी से बराबर किया या दोनों एरिया को माइनस करके डेल वी से बराबर किया? बोलो क्या किया? सारा एरिया जोड़ दिए और मैं तो जोड़ फाइनल दिए तो गलत माइनस हो गया इनिशियल ना, से इक्वल। जोड़ दिए तो गलत हो गया ना, माइनस करना था ना। वेलोसिटी एक वेक्टर है तो आपको
नेट एरिया को फाइंड आउट करना है। आप पीछे नहीं देखे, हम इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिए, आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट में नहीं देखे। जब आपको स्केलर निकालना था तब ना आप एरिया ऐड किए, जब आपको वेक्टर निकालना था तो आप एरिया तो सब्सट्रैक्ट किए ना। यस सर। तो अभी आपको स्पीड चाहिए या वेलोसिटी चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, ऑब्वियसली वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी इवन स्पीड भी क्या होगा, स्पीड भी वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड होगा। तो आपको इस बार करना क्या था कि जो टोटल हम लोगों का चेंज इन एरिया है, एरिया जो टोटल आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। टोटल के लिए क्या करें, पहले ट्रेपीजियम का एरिया बोलो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कहने का मतलब 6+4 ना। यस सर। हाइट 10, उसमें से ट्रायंगल वाला 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ये नीचे 10 तक है, 10 तक है, लिखा नहीं है 10 तक है। बेस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 2। सॉल्व करो जो आएगा वही आंसर। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, धीरे धीरे आ रहा है। 42। यस सर। एकदम नहीं आ रहा है? आ रहा है, धीरे आ रहा है सर, धीरे धीरे आ रहा। होता है, होता है, वेक्टर तक लगता है ना, यही फिजिक्स है। क्या बोलो, सही बोले? यस सर। अभी देखा वेक्टर पढ़ाई हो रहा है, कितना मजा। हाँ सर, ये वाला वो वाला वो वाला, ठीक है। मनी मन हम भी सोच रहे होते, आओ आओ आ गया। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारे पास डिस्कशन का कुछ था। अभी देख लेते हैं, फिर एक दो और चीज अभी इसमें करेंगे। पहले पीछे वाला सारा रिविजन हो जाए एक बार, ताकि कुछ दिमाग से निकले नहीं। तो भाई पहला चीज आपको क्या है कि जब भी आपको है ना काइनेमेटिक्स में ग्राफ का डिस्कशन होगा, तो पहला सबसे पहले तो आपको ग्राफ समझना होगा कि अगर कहीं इस तरह से लिखा, अभी मान लो जैसे कहीं लिखा है, लिखा एक्सेलरेशन वी ग्राफ, तो वर्टिकल एक्सिस पे कौन है, वर्टिकल एक्सिस पे कौन है एक्सेलरेशन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेलोसिटी है, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राफ आपके सामने रहता है, आपको चीजें समझना पड़ता है। फिर आपके पास सबसे पहला इंटरेस्टिंग चीज जो स्टार्ट किया आप, वो था स्लोप। स्लोप के बारे में जब आप कोई ग्राफ देखते हैं तो केवल लाइन ना देखें, उसके अंदर दो तीन चीज आप सोचें। जैसे स्लोप आपको देख के रीड करके आना चाहिए कि स्लोप कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। फिर आपको स्लोप का मतलब समझ में आया कि अगर हमारे पास एक्स टी ग्राफ है तो स्लोप का मतलब वेलोसिटी होता है। स्लोप अगर जैसे वैरी करेगा, वेलोसिटी भी वैसे ही वैरी करेगा। अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है तो स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन होता है। अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है तो स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन होता है। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होता है। अगर हमारे पास कर्व है तो स्लोप वेरिएबल होता है, ठीक है। उसके बाद आया बात एरिया का। अगर हमारे पास वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया है तो टोटल एरिया जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन जो नेट एरिया हम लोग निकालेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। नेट एरिया एंड टोटल एरिया। उसके बाद आया एरिया अंडर एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कभी भी अगर एटी ग्राफ के अंदर का एरिया आप निकालेंगे तो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसके लिए आपके सामने दो न्यूमेरिकल रखा गया, दोनों आप में से है ना गलती हो गया, दोनों का दोनों गलती हो गया, नहीं बन पाया। क्या बोलते हो? यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ओवरडोज होके कोई फायदा नहीं होता। इतना आप पढ़ के बैठेंगे, अगले दिन फिर ग्राफ पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। अगले दिन आपको ग्राफ पढ़ना है तो ये सारा चीज आप देख के रखेंगे। हम जब आपको इसके साथ नोट्स भेजेंगे तो ये नोट्स के अंदर है ना, अगर तुम बोलोगे तो हम ये ग्राफ वाला भी नोट्स अभी ही भेज देंगे। तो आप कुछ देख के रखिएगा, फिर हम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देंगे। बोलो सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम ये ग्राफ वाला भी नोट्स आपको सेंड कर देंगे, कुछ भेजेंगे ताकि आप इनिशियल कुछ रीड कर पाए, और कुछ आपको रख लेंगे, वो हम आपको बैच में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं। इतना तक देख के रखिएगा, अभी आपको पिछले दिन का भी नोट्स और आज का नोट्स दोनों सेंड कर देंगे। ओके, चलो थैंक यू।